माय चैनल प्रोग्रामिंग क्लासेस। आज हम लोग 2D एरे में एक सिंपल सा प्रोग्राम हम आपको बना के दिखा रहे हैं। 2D एरे को कंसेप्ट को समझने के बाद एक सिंपल सा प्रोग्राम समझ लीजिएगा तो आपको आगे का प्रोग्राम बनाने में बहुत आसान होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि 2D एरे होता क्या है, किस तरह से एक्सेस करते हैं, रो और कॉलम का कंसेप्ट क्या है, ये सारा चीज़ बहुत डिटेल से बना है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पिछला वीडियो देखिए 2D एरे का, तो इस वीडियो को समझने में ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम का। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया कि एक 2D एरे में इनपुट लीजिए डेटा और उसे प्रिंट कराइए। ठीक है, सपोज कीजिए तो एक मुझे प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो अब हम मान लीजिए कि इंक्लूड कर लेंगे, वो तो आप कर ही सकते हैं। देखिए अब यहां पे हमने लिखा वर्ड में, ठीक है, देखिए वर्ड में लिखा। इसमें हमें क्या करना है कि यहां पे हम लिख रहे हैं इन टाइप का हमने एक एरे लिया, क्योंकि हमें 2D एरे पे काम करना, तो 2D एरे लेंगे। मान लीजिए मैट लिए 5x5 का, सपोज कीजिए। ठीक है, 5x5 का ले लिए ना। ठीक है, मतलब आपके पास 5 रो, हर एक रो में 5 कॉलम, मतलब टोटल 25 एलिमेंट्स आपने बना लिया। ठीक है, चलिए और देन आपको 2 वेरिएबल लेना होगा, एक आई और एक जे, क्योंकि वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, वैल्यू एक्सेस करने के लिए रो का लूप लगाते हैं, फिर कॉलम का लूप लगाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब यहाँ पे इनपुट लेते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे ये आपके पास इस तरह से मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, रो कितना 0 1 2 3 4 और कॉलम कितना इस तरह से है 0 1 2 3 4, कॉलम भी 5 है और रो भी 5 है। ठीक है, दिस इज द कॉलम वैल्यू, दिस इज द रो वैल्यू। चलिए अब हमें सभी एलिमेंट पे इनपुट लेना है। सभी एलिमेंट को इनपुट लेंगे तो मतलब 25 एलिमेंट पे इनपुट लेना है, लेकिन 1x1 करके 0 से लेकर 4 तक, फिर 0 से लेकर 4 तक, फिर 0 से लेकर 4 तक, मतलब रो नंबर 0 के लिए 0 से लेकर 4 तक, रो नंबर 1 के लिए 0 से लेकर 4 तक। इसको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बताए हैं क्यों लूप 2 लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लेंगे फॉर i = 0, i < 5 और i = i+1, रो कितना है 5 है, तो 0 से लेकर 4 तक का लूप लगा दिए। और देन हम बोल रहे हैं फॉर ईच रो, ठीक है, फॉर ईच रो, हर एक रो के लिए 0 से लेकर 4 तक फिर चलना, क्योंकि कॉलम कितना है 4 है, तो फॉर 0 j < कितना 5 और j = j+1। ठीक है, और यहाँ पे scanf लगा देते हैं और %d और एड्रेस ऑफ मैट के i और किस पे j पे इनपुट ले लेता है। ये लूप कंप्लीट चलेगा, ये लूप जब कंप्लीट चलेगा तो हर एक एलिमेंट पे इनपुट ले लेगा। पहले एक रो पे पूरा लेगा एक बार 0 और 0, i 0 j 0, दोनों का कंडीशन सही, नीचे आएगा 0 0 पे इनपुट होगा और फिर ये लूप कंटिन्यू चलेगा 0 1 0 2 0 3 0 4 5 होगा, लूप से क्या हो जाएगा बाहर, फिर जो इस लूप से बाहर आएगा तो ये लूप चलेगा फिर 0 से कितने पे 1 पे, तो फिर इस पे इनपुट होगा 1 के लिए, फिर जे कितना से 0 से 1 का 0 1 का 1, इस तरह सारा में आपने इनपुट ले लिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है इनपुट लेके सारा डेटा को मुझे प्रिंट करवा दीजिए, तो प्रिंट कर लेंगे, सिंपल सा चीज है। तो प्रिंट करने के लिए फिर से लूप लगाएंगे फॉर i = 0, i < 5, i = i+1, क्योंकि हमने बताया है कि ट्रैवर्सिंग जो करते हैं वो 2 डायरेक्शन से करते हैं, या तो रो वाइज कीजिए नहीं तो कॉलम वाइज कीजिए, तो हम यहाँ पे रो वाइज कर रहे हैं। ठीक है, रो वाइज मतलब कि हमें रो का वैल्यू को कांस्टेंट रखना होगा 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, कॉलम का हर एक वैल्यू का अक्सर बढ़ रहा है, लेकिन रो क्या करना है कॉन्स्टेंट रखना है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, तो कॉलम रो का लूप हम ऊपर लगा दिए, ऊपर वाले लूप को क्या मान लिए रो का लूप है और नीचे कॉलम का लूप है, क्योंकि नीचे वाला मुझे बार बार चेंज होगा। ठीक है, तो फॉर j = 0, j < 5 और j = j+1, ठीक है, और देन यहाँ पे हमने लिख दिया printf %d, यहाँ पे स्लैशन मत लगाइए क्योंकि आपको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर प्रिंट नहीं करेगा, फिर मैट i और देन क्या j, इस तरीके से हमने कर दिया। तो एक रो का सारा कॉलम का वैल्यू प्रिंट, इसमें जितना भी वैल्यू रहेगा, जैसे मान लीजिए 5, 8, 10, 20, 25, जो भी वैल्यू रहेगा सारा प्रिंट कर देगा। उस रो का सारा कॉलम का वैल्यू प्रिंट करने के बाद लूप से क्या आएगा बाहर, कब, जब जे का वैल्यू 5 हो जाएगा तब 4 तक तो चलेगा, तब हम स्लैश एन दे देते हैं, प्रिंट एफ क्या लगा दिए स्लैश
इन लाइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए, ठीक है। लाइन चेंज हो जाएगा तो नीचे वाला रो पे मेरा आउटपुट स्क्रीन में भी नीचे वाला रो पे आ जाएगा, और देन जे का वैल्यू मेरा फिर से क्या होगा, आई का वैल्यू फिर से मेरा बढ़ेगा। आई का वैल्यू जीरो से कितने पे चला जाएगा, वन पे, वन के लिए फिर जे कितना था, जीरो से। तो आई यहाँ पे आ गया, इस आई आई जो है इसको रिप्रेजेंट करने लगा इस रो को, और उसके लिए फिर जे कितना से, और जे यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ तक चलेगा, फिर जीरो से लेकर वहां तक चलेगा, और सारा डेटा मेरा क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से सिंपल सा एक हमने प्रोग्राम बना लिया, इस प्रोग्राम को आप लोग टाइप करके रन करवाइए और इसको देखिए किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मेरा ये काम कर रहा है और क्या है, ठीक है। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग क्या करते जाएंगे, बताते चले जाएंगे। ये सिंपल सा एक प्रोग्राम बताया, जो भी कंसेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में बनाया उसको किस तरह से यूज करेंगे वो चीज हमने बताया, इनपुट लेकर और प्रिंट करा के, क्योंकि पिछले वीडियो में हमें पूरा कंसेप्ट बताने में भी टाइम ज्यादा लग गया, इसलिए वहां पे इस चीज को बता नहीं पाए। तो कंप्लीट एक यहाँ पे प्रोग्राम हमने बना दिया, इसको प्रोग्राम रन करवाइएगा, आपको इनपुट करना होगा 25 डेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2D array का अलग अलग प्रोग्रामिंग का वीडियो लाएंगे, और आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्लेलिस्ट सी लैंग्वेज का दो है, एक सी लैंग्वेज का कंसेप्ट के लिए है और एक सी लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए है। तो अगर प्रोग्राम देखना है तो आप प्रोग्राम वाला प्लेलिस्ट में जाइएगा सी प्रोग्रामिंग का, और ये देखना है कंसेप्ट देखना है टॉपिक का कंसेप्ट देखना है तो सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।